हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं अंगूरी रसमलाई। अंगूरी रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले पतीले में हम 1.5 लीटर दूध गर्म कर लेंगे। दूध उबलने लगा है, हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है। गैस को हम बंद कर देंगे। 4 मिनट बाद हम एक बोल में 2 चम्मच नींबू का रस और 4 चम्मच पानी लेकर दूध में डाल देंगे। इससे दूध फट जाएगा। अब हमें इसे चलाना है। हमें हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे चलाना है। ये देखिए, दूध फट गया है। आप चाहें तो नींबू की जगह पर 2 चम्मच सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे छान लेंगे। हमने इसे छन्नी से छान लिया है जिससे इसका पानी निकल जाएगा। अब हम एक बोल में कपड़ा लगाकर छेने को डाल देंगे। फटे हुए दूध के पानी को फेंके नहीं, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसे आप दाल में या किसी ग्रेवी वाली सब्जी में या नॉर्मल सब्जी में डाल सकते हैं। और हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे जिससे नींबू का जो रस होता है वो खट्टा होता है, तो उसकी खटाई पूरी तरीके से इसमें से निकल जाए। तो इसके लिए हम इसमें ठंडा पानी डालकर इसे 2-3 पानी से धो लेंगे और इस तरह से निचोड़ लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसे हम निकाल देंगे और इस छेने को कपड़े में बांधकर इस तरह से छन्नी के ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर कोई भारी सामान नहीं रखना है, इसे ऐसे ही हमें छन्नी के ऊपर रखना है। अब हम बनाएंगे मलाईदार रबड़ी। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध और इसे हम उबालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे केसर के कुछ धागे, जो कि मैंने 20 से 25 धागे लिए हैं, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें चलाते रहना है। और अब हम इसमें 2-3 पिंच केसरिया रंग डालेंगे, इससे हमारी रस मलाई का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसमें येलो कलर भी डाल सकते हैं। दूध को हमें धीमी आंच पर पकाना है। इसे हमें चलाते हुए उबालना है जिससे कि किनारे जो भी मलाई जमा हो रही है उसे हमें निकालते जाना है, जिससे दूध मलाईदार होता जाएगा और हमारी रस मलाई एकदम मलाईदार बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। इसमें 1/2 कप चीनी काफ़ी है, क्योंकि दूध जब गाढ़ा हो जाता है तो उसमें मिठास आ जाती है। आप अपने स्वादानुसार चीनी और भी डाल सकते हैं। दूध को हमने 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाया है और इसे अब हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम काट के लिया है। आप अपने स्वादानुसार और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। दूध को हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। अगर हम दूध को ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो रसगुल्ले इसे सोख नहीं पाएंगे। तो रबड़ी तैयार है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप चीनी कुकर में डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 4 ग्लास पानी, और पानी डालकर हम शक्कर घुल जाने तक इसे पकाएंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम छेने को एक बड़े बर्तन में निकालकर अच्छी तरह से मैश करेंगे। इसे हमें हथेली की सहायता से अच्छी तरह से मैश करना है। कम से कम 7 से 8 मिनट इसे मैश करने में लग जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 बात ध्यान रखने की है। सबसे पहले तो अगर आपका छेना थोड़ा दानेदार है तो आप उसमें अरारोट या कॉर्नफ्लावर ना मिलाएं। इसको ऐसे ही अच्छी तरह से मैश करें और जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा और इसकी गोलियाँ बनाएं और फिर इसे चाशनी में डालकर उबाल लें। और अगर आपका छेना सॉफ्ट बना है, एकदम मुलायम है, तब उस कंडीशन में आप इसमें
अरारूट का पाउडर या कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर 1 से 2 चम्मच डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं मिलाया है क्योंकि जो मैंने छेना बनाया था वो एकदम दानेदार था। छेने को हमने मैश करके तैयार कर लिया है और अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। छोटी छोटी गोलियां बनानी है हमें अंगूर के साइज़ की, क्योंकि ये अभी फूलेंगी तो थोड़ी और बड़ी होंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया गोलियां बनी है और कोई इसमें क्रैक नहीं आया है। ऐसे ही हम सारी गोलियां बनाकर और जो हमने चाशनी तैयार की थी उसमें हम डाल देंगे। गैस को हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है और उबलती हुई चाशनी में बॉल्स को डालना है। अब हमने बोल में 1 चम्मच मैदा लिया है और उसमें डाला है 4 से 5 चम्मच पानी और उसे हमने घोल लिया है। घोलने के बाद हम इस पानी को उबलते हुए चाशनी में डालेंगे जिससे कि इसमें और उबाल आता रहेगा और हमारे रसगुल्ले अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हम हटाकर देखेंगे। अब हम इसमें मैदे का बचा हुआ पानी भी इसमें फिर से डाल देंगे जिससे कि और ज़्यादा उबाल आएगा और उबाल आने ऊपर से भी रसगुल्ले पक जाएंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम रसगुल्लों को चेक कर लेंगे। ये देखिए रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही अच्छी जालीदार रसगुल्ले बने हैं। इसे हमें 10 से 12 मिनट तक ही पकाना है, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाते हैं। 11 मिनट हो चुके हैं, रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम इसे ठंडे पानी में निकाल लेंगे। ठंडे पानी में निकालने से इसकी शेप बराबर बनी रहती है। इन रसगुल्लों को हमें 2 से 3 मिनट तक ठंडे पानी में रखना है। इसके बाद हम इसे हल्के हाथों से दबाते हुए बाहर निकालेंगे और इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। सारे रसगुल्लों को हमने निकाल कर प्लेट में रख लिया है। अब हम इसमें रबड़ी डालेंगे। अभी इसका कलर एकदम हल्का दिखाई दे रहा है। 4 से 5 घंटे बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है और ये रबड़ी को बहुत अच्छी तरह से सोख लेता है। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।